हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लौंग के चमत्कारी लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साइड में घंटी के आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वह आप तक पहुँचे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लौंग का अधिक मात्रा में उत्पादन जंजीवार और मलक्का द्वीप में होता है। लौंग का पेड़ बहुत बड़ा होता है। लौंग का रंग काला होता है। इस पेड़ को लगाने के 8 या 9 वर्ष बाद ही फल आता है। बेहोशी होने पर लौंग घिसकर मंजन करने से बेहोशी दूर होती है। लौंग को घी या दूध में पीसकर आंखों में लगाने से हिस्टीरिया की बेहोशी दूर हो जाती है। जुखाम होने पर लौंग का काढ़ा पीने से जुखाम ठीक हो जाता है। 2 बूंद लौंग के तेल को लेकर 25 से 30 ग्राम शक्कर में मिलाकर सेवन करने से जुखाम समाप्त हो जाता है। 100 मिलीलीटर पानी में 3 से 4 लौंग डालकर उबलने पर जब पानी आधा रह जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से जुखाम दूर हो जाता है। रतौंधी, 1 से 2 लौंग को बकरी के दूध के साथ पीसकर सुरमे की तरह आंखों में लगाने से धीरे धीरे लगाने से रतौंधी नामक रोग समाप्त हो जाता है। बुखार, मौसम बदलने से बुखार की समस्या बनती है। 1 से 2 लौंग पीसकर गर्म पानी में फंकी लें। इस तरह रोज़ 3 बार यह प्रयोग करने से सामान्य बुखार दूर हो जाएगा। आंख पर दाने का निकलना, आंखों में दाना निकल जाने पर लौंग घिसकर लगाने से वह बैठ जाती है और लाभ मिलेगा। दांतों का रोग, दांतों में कीड़े लगने पर लौंग को दांत के खोखले स्थान में रखने से या लौंग का तेल लगाने से लाभ मिलता है। रुई को लौंग के तेल में भिगोकर दर्द वाले दांत के नीचे रखें तथा नार को नीचे गिरने दें। लौंग को आग पर भूनकर दांतों के गड्ढे में रखने से दांतों का दर्द समाप्त हो जाता है। 5 लौंग पीसकर उनमें नींबू का रस निचोड़कर दांतों पर मलने से दांतों के दर्द में लाभ होता है। अथवा 5 लौंग 1 गिलास पानी में उबालकर इसे रोजाना बार बार कुल्ला करने से लाभ होता है। इस तरह आप 3 दिन तक करें। प्रमेय, लौंग जायफल और पीपल को 5 ग्राम से लेकर 20 ग्राम काली मिर्च और 160 ग्राम सौंठ मिलाकर पाउडर बना लें। बाद में पाउडर में उसी के बराबर शक्कर डालकर खाएं। इससे खांसी, बुखार, भूख न लगना, प्रमेह, सांस का रोग, ज़्यादा दस्त का आना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सूखी या गीली खांसी में लाभदायक है लौंग। सुबह शाम 2-3 लौंग मुँह में रखकर रस चूसते रहना चाहिए। लौंग या विभितक फल मज्जा को घी में तलकर रख लेना चाहिए। इससे खांसी आने पर चूसना चाहिए। इससे सूखी खांसी में लाभ मिलेगा। लौंग और अनार के छिलकों को पीस लें, फिर इसे 1/4 चम्मच भरकर आधी चम्मच शहद के साथ दिन में 3 बार चाटने से खांसी में आराम मिलेगा। भूख न लगना यह आम समस्या है। इसके लिए 0.5 ग्राम लौंग का चूर्ण 1 ग्राम शहद के साथ रोज प्रातःकाल चाटना आपके लिए लाभकारी रहेगा और भूख जल्दी से लगने लगेगी। जीभ कटने पर आप 1 लौंग को मुंह में रखकर चावने से कटी जीभ बिल्कुल सही हो जाएगी। सिर दर्द में भी लाभकारी है लौंग। 5 लौंग पीसकर 1 कप पानी मिलाकर गर्म करें। जब पानी आधा बच जाए तो उसे छानकर चीनी मिलाकर पीने से लाभ मिलेगा। इसका सेवन शाम को सोते समय करने से सिर का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। लौंग के तेल को सिर और माथे पर लगाएं या नाक के दोनों ओर के नकुओं में डालें, आपको दर्द में आराम मिलेगा। हैजा में लाभकारी लौंग। लौंग के तेल की 2 से 3 बूंदें चीनी या बतासे में देने से हैजा की उल्टी और दस्तों में लाभ होता है। इसके तेल का सेवन करने से पेट की पीड़ा, अफरा, वायु और उल्टी बिल्कुल दूर हो जाती हैं। मुँह की बदबू को इस तरह करें लौंग दूर। लौंग को मुंह में रखने से मुंह और सांस की बदबू दूर होती है। इसका सेवन 15 दिन करें, आपको लाभ मिलेगा। साथियों, आपको मेरा यह उपचार अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।